कहां से आए हैं? हरियाणा में कहां से? ऐसा मुंह करो बालाजी की तरफ, हरियाणा में कहां रहती? अच्छा, हमारा चैनल देखती हो, कहां रहती हरियाणा में? गांव कौन सा है? गोगा मेड़ी के पास। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, पागलो सीताराम। माताजी तुम पढ़ी लिखी हो हैं? क्यों नहीं पढ़ी तुम? माइक ले लो, माइक ले लो। तुम कौनी कौनी कर रही हमें समझ में नहीं आ रही। हाँ, क्यों नहीं पढ़ी? माँ बाप पढ़ाई कौन ही पहली पढ़ाई कौन तो पहली टाइम इसे हो एक रहा तो इब गणाई पढ़ा रखे है फिर कौनी समझ में आवो। सही बोल दे क्या? अच्छा, कौन ही समझ में आयो? तुम दोनों हरियाणा भी ना बोलो, नहीं तो हमारा पर्चा फेल हो जाए। हाँ, हमको समझ में नहीं आ रही। हिंदी बोलो। हिंदी आती नहीं? चलो हरियाणा भी बोलो, क्या बात है? जरा कोई हिंदी वाला आओ भैया, इनकी भाषा समझो, तुम समझ लोगी? आ जाओ, तुम तो मंच पे बैठी, तुम्हें नहीं बुलाना है ना। मंच पर जो होते हैं वो वीआईपी होते हैं। अच्छा, राम राम, बैठ जाओ, थोड़ा जल्दी आओ बिटिया। तुमको भैया बोलो बागेश्वर जा रहे? चेला कहाँ जा रहा हो? इधर आ, जो बैग टांगे हुए जा रहा है इसको बुलाओ, इधर आ, इधर आ। हाँ, बताओ कि जाना ये तो आइए जल्दी। अब इन्हें बता दो तुम, ये हमको हिंदी में बता देंगे, इन्हें बता दो। हाँ, ये इनकी सास है। ये तो हम समझ गए। हाँ, अब बोलो। इतना तो हमें आता है। ये बड़ी बहू है, हम समझ गए। इनकी अर्जी, इनसे पूछो, ये खतरनाक बोलती हैं। ये जो बूढ़ी माता है इनसे पूछो। अब थे बोलो। परिवार के खातिर आया, परिवार के खातिर, संकट की, संकट। अच्छा, परिवार के खातिर आई, संकट। अभी तुम कुछ गुडर गुडर बोली थी, वो वाली हरियाणी बोलो जो तुम हमसे बोल रही थी, कटर पटर, कौनी कौनी नून नून कर रही थी। हरियाणा में अच्छा बोलो, पढ़ाई कौनी तो के बता तो के बोलू, परिवार की खातर आई। हाँ, परिवार के मैं थोड़ा सो यहाँ संकट तो चल रहा है, पीस होना ही है, काम होना ही चल रहा है। अच्छा, हम इनका पर्चा बता देते हैं, तुम इनको हरियाणवी में बता देना। माइक ले लो। सासू माँ को लेकर के आई हैं, इनकी तबीयत खराब। सासू माँ पूछेंगी, पेट में दिक्कत, शरीर में समस्या बनती है, पूछो पहले। शरीर में समस्या बने गए थारे? हाँ, बने। हाँ बोल रहे। हाँ, पेट में दिक्कत बनती, इन्फेक्शन बन गया है, आंतों में भी दिक्कत बन रही है, पूरे परिवार में दिक्कत बनी हुई है, बच्चों में समस्या है, पूरे बच्चों के काम सफल नहीं होते हैं,
सभी लोगों में बिगड़न बनी रहती है, प्रेत बाधा के झटका भी लगते हैं, कंपन भी सबको बनता है, पोता पोतियां भी परेशान रहते हैं। ऐसी अर्जी लेकर के ये आई हैं, इनसे कहते हैं प्रेत बाधा हटेगी। शायद चार बच्चे आओ, पोता पोतियां सहित मिला करके पूरे परिवार पे कृपा होगी, वह स्वास्थ्य सबका ठीक रहेगा, तुम्हारा भी पेट ठीक हो जाएगा, वह इन्फेक्शन भी दूर होगा और पूरे घर का एकता सामंजस्य हम करवा देवेंगे, आशीर्वाद है। सभी परिवार आपस में, हाँ सामंजस्य वही तो हमने बोला है, एकता सामंजस्य। इनको तुम हरियाणवी में बोल दो पूरी बात, हाँ सब बोलते जाओ, एक ऐसा बोलो, पहले पेट का दर्द बोलो, हरियाणवी में बोलो, पेट दुख है नहीं थारो, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक। दूसरा इनको बोलो परिवार में एकता नहीं, परिवार में एकता कोनी नहीं, सबके काम रुक जाते हैं, सारंगा काम रुक जाए, पोता पोतियां भी परेशान रहते हैं, सर पोता पोती भी परेशान रहे, बच्चे भी परेशान रहते हैं, सारा बच्चा भी परेशान रहे, के सबकी बुद्धि विचित्र रहती है, सारंगी बुद्धि, हाँ सबकी बुद्धि, संकट व प्रेत बाधा भी परेशान कर रहा है, संकट और प्रेत बाधा कोई परेशान करे, कंपन दिक्कत भी बनती सबको, कंपन दिक्कत या कोई दुजनी दादनी होवे, हाँ कंपन दिक्कत भी सबको बनती है, सबका हम सामंजस्य करवा देंगे, सबकी बुद्धि ठीक करवा देंगे। हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं, इनको 5 पाठ सुंदर कांड के करवाना है, पूरे घर पर इनके दिक्कत है, सबको ही पकड़ रखा है गंदी शक्तियों ने, उसको हम छुड़वा देंगे, इनको काऊ तांत्रिकों के पास भटकने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलो। समझ आ गई थारे बात के? 5 बारी सुंदर कांड को पाठ करवानो है। सीताराम सीताराम, इनके बच्चों की पूरी डिटेल जरा लाई जाए। सीताराम सीताराम, अच्छा 6 लोग हैं, 6 जन हैं, 6 जन हो गए, अच्छा 6 पोता है, तो 4 हमने बेटा बताए थे, ये 6 जन, हाँ। बराबर पूछो इनसे, क्या ये सही है, इनसे पूछो 4 बच्चों के बारे में, ये सही है, 4 बेटा है वो जो, और 6 बच्चों के बारे में सही है, एक सिर की दिक्कत बनी, हाँ जी एक बेटा है, नस की समस्या बन गई थी, उसको ब्रेन की समस्या हुई है, हाँ, बता रहे हैं। ब्रेन की समस्या हुई है, उसमें भी लाभ होगा, बालाजी दया करेंगे, आपको अब तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि बहुत पूजा पाठ हो गई है, तो तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, हम उपाय कर देंगे, 5 पाठ सुंदर कांड के ये करें, धाम आ जाबे, हम विधि कर देंगे, पूरा परिवार ठीक रहेगा, तंत्र विद्या से आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। इनकी बात पूरी अब समझ आ गई, पूरी कौनी बात समझ आई, एक छोटा छोटा बेटा और है, हाँ उसकी भी बुद्धि विचित्र है, गलत रास्ते में पड़ गया, हाँ पूरा घर को उल्टा कर दिया, वो गलत रास्ते में पड़ गया है, उसकी हमें फोटो दे देना, हम उपाय कर देंगे, ये सबसे छोटे वाली की चर्चा आज धाम पे, धाम अठे नहीं, धाम धाम बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम पर अठे नहीं कठे, अठे मतलब यहाँ, अठे मतलब यहाँ, और कठे मतलब बठे, मतलब बागेश्वर बठे, तो अठे नहीं बठे, जाओ आशीर्वाद, चलो सामंजस्य बनवा दे, अभी उसकी पहले हम बुद्धि ठीक कर भी, हमें पहले प्रेत बाधा हटवा देने दो, तुम चिंता ना करो वो हमारा काम, हाँ तुम तो पेशी शुरू करो, समझेगा टेंशन ना लो, ठीक हो जाओगी, जाओ माँ छोटा वाला डॉक्टर भी ठीक हो जाएगा, बात मानेगा, हाँ चंगी हो जाओगी, तुम तो नचते हुए जाओ, नचो, हाँ 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 जय माता, कुछ रहो।